हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो। तो कल है भैया का एंगेजमेंट और कल की पूरी तैयारी करने के लिए आज मैं और दूल्हे राजा जो है वो निकल पड़े हैं स्कूटी से, क्योंकि पटना के ट्रैफिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि रोड पे कितनी ट्रैफिक होती है और हमें शॉपिंग करने में हो जाएगी रात। सो हम स्कूटी से ही और हर्षराज ये रहा कार से आ रहा है, क्योंकि सामान हम लोग तो चलो शॉपिंग तो कर लेंगे स्कूटी से, बट लगेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रखने के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे जहाँ भैया का जो कपड़ा था, आउटफिट था, जो वो स्टिच कराने को दिया था, सबसे पहले वहाँ पहुँचे। उन्होंने कंप्लीट जो है वो ट्राई किया, बहुत मस्त लग रहा था, फिटिंग भी अच्छे से हुआ है। सो कपड़े को ट्राई करके और ये जो कपड़े हैं वो देने हैं लड़की वाले के साइड में, क्योंकि यही कपड़ा जो है वो कल उनके साइड से चलेगा। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई कर लिए हैं कपड़ा, और उसके बाद फिटिंग चेक करने के बाद हम निकल पड़े हैं उनको देने के लिए। आज हम मिलने वाले हैं लड़की वाले से, इट मीन्स की भैया के फ्रेंड से, जो कि इनके होने वाले सारू भाई हैं। ये देने के लिए हम लोग नीतीश भैया का वेट कर रहे हैं लोकेशन पे पहुँच के। आई डोंट नो कहाँ है वो। वाह वाह, सारा प्रिपरेशन लड़की साइड का हो चुका है और हम लोग घूम रहे हैं सिर्फ। सो लड़की वाले भी आज शॉपिंग करने को निकले हैं, क्योंकि कल ही है एंगेजमेंट, अब टाइम है नहीं। उनकी तैयारी तो चलो फुल हो चुकी है, हमारी तैयारी जो है वो बाकी है। सो उनको कपड़े देने के बाद अब हम निकल पड़े हैं फ्रूट की शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज होता है कि 5 तरह 8 तरह जितने तरह का आपका फल बन पाए वो फल भी हम लोग चढ़ाते हैं। सो ये वो रेस्टोरेंट है शांतिलाल, जहाँ पे जीत से पहली बार मुलाकात हुई थी होटल कोसूत में। सो आज मैं ये जो है रिवील कर रही हूँ, मेरी देखा देखी जो है वो यहीं पे हुई थी। सो वहीं पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है फलों का, और उसके बाद इनकम टैक्स के पास भी एक फलों का बहुत अच्छा मार्केट लगता है। सो हमने पूरा मार्केट पहले चेक करा, क्वालिटी चेक करा, उसके बाद हम इनकम टैक्स के पास पहुँचे और सारे फल को जो है वो खरीद के हमें यहीं रखना पड़ रहा था, क्योंकि स्कूटी पे सारे फल जो है इतने जाएंगे नहीं। सो इकट्ठे हम खरीद के यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद हर्षराज आएगा, उसके बाद गाड़ी पे सारा लोड होगा। फिर हम निकल पड़े नेक्स्ट शॉप पे, जो कि लेना था लड्डू, खाजा, गाजा, ये सब भी मैंडेटरी होता है शादी के रस्मों में। सो ये भी खरीदने हम निकल पड़े हैं। सो वहाँ से फलों को वहीं पे छोड़ के उसके बाद हम आके ये पैक करा रहे हैं गाजा खाजा। उसके बाद मान्यवर पहुँचते हैं, भैया का जो शेरवानी जो था वो थोड़ा फिटिंग जो कल टाइट हो रहा था उसका लूज जो है एक्स्ट्रा वो मंगवाना था, वो पीसेस आ चुके हैं। उसके बाद भैया ने शेरवानी का भी जो है वो ट्राई करा, फिटिंग चेक की, और उसके बाद फिर फिटिंग चेक करने के बाद आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ये लुक, इन पे कल पहनेंगे तो कसम से बवाल लगेंगे। फिर वहां से हमने कपड़े उठाए, उसके बाद हम निकल पड़े वापस वहीं पे गाजा और खाजा वाले शॉप पे। हम वेट करने लगे हर्षराज का कि वो आएगा, यहाँ से सामान लोड होगा, उसके बाद हम फिर फल वगैरह सब जो है वो लगेज जो है वो सारा गाड़ी पे रखेंगे। आप देख सकते हो कि कितना सारा सामान जो है वो हो चुका है, कुछ ही देर में हर्षराज पहुंचने वाला है। और ये कितने यहाँ से स्मेल जो है वो बहुत ही प्यारा आ रहा था खाने का, बुंदिया, गाजा, खाजा। सो हमारी शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और अब यहाँ पे हर्षराज भी आ चुका है, गाड़ी पे सारा सामान जो है वो लोड होगा, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। जब तक हर्षराज को टाइम लग रहा था आने में, मिट्टी का कलश भी हमें लेना था और ड्राई फ्रूट्स का थाल भी लेना था। तो मैं और भैया स्कूटी से ही गए थे वो मिट्टी का कलश लेने, क्योंकि पूजा में वो मैंडेटरी होता है, और ड्राई फ्रूट का थाल जो है वो यहीं पे मिल गया था। फिर हम लेके आए, उसके बाद सारा चीज़ जितने भी हमने शॉपिंग करा था, चाहे वो फ्रूट हो, लड्डूज हो, या फिर जो भी हो, सारा कुछ गाड़ी पे जो है वो लोड हुआ। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे भाभी को लाने के लिए, उसके बाद वहाँ से जाएंगे नानी घर, क्योंकि सारा कुछ अच्छे से कल की तैयारी करनी है, पैकिंग शैकिंग करनी है, जो भी चढ़ाना है उसके पैकिंग करनी है, उसके बाद कल की तैयारी में लग जाना है। सो यहाँ पे जितने भी लगेज हैं वो गाड़ी में कुछ इस तरीके से सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। बाकी जो टूटने फूटने वाला सामान था वो आगे रखाया, और ये जो अंगूर थे वो पीछे रखते तो ख़राब हो जाते, सो इसको भी आगे रखा गया, और मिट्टी का जो कलश था उसको भी आगे रखा गया।
फिर सारा कुछ लोड करके अब हम निकल पड़े हैं राजीव नगर भाभी को लाने के लिए। हम रूम पे पहुंचे, फिर वहां से सबको उठा के बुढ़िया बिस्तर, उसके बाद हम निकल पड़े नानी घर के लिए। शादी के शॉपिंग में जो मजा है वो सीरियसली नॉर्मल शॉपिंग में बिल्कुल नहीं है। और पर्सनली मुझे शादी की शॉपिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी से, बाकी बड़े वाले भैया जो है वो आएंगे बाइक से, क्योंकि वो ऑफिस गए हुए हैं, वो डायरेक्टली ऑफिस से आएंगे। उसके बाद कल की सारी तैयारी होगी। सो ये रहा मिशु और मिशु के साथ बातें। मम्मा, मामा, पापा, पापा, चाचू, चाचू, बुआ, बुआ, दादी, दादी, दादू, दादू, पापा, पापा, मामा, मामा, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटे माँ, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, पापा जी, पापा जी नहीं, फूफा जी, मिशु, फूफा जी, पापा जी, पापा जी नहीं, फूफा जी, मीशु, मीशु, भैया, भैया, रेयांश। और फिर हम पहुंचे नानी घर, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। और अब लग रहा है कि हाँ भैया शादी वाली घर है, सब लोग इकट्ठे हो चुके थे और मम्मी भी आ चुकी थी। मम्मी बना के लाई थी इडली सबके लिए, आज रात के खाने में वही होना था। तो सबसे पहले हम लोग सब बैठ के गप्पे लगाए, उसके बाद सब लोग बैठे इडली खाने को। बहुत टाइम बाद सब लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं। लास्ट मुझे याद भी नहीं है कि ऐसे इकट्ठे सब लोग कब हुए थे। बड़ा मजा आता है जब फैमिली इकट्ठे होती है तो। देखो इसमें डिब्बा भी है, शाम को जा रहा डब्बा में से निकाले नहीं है जी। एवो हम चटनी खाते हो गए, चटनी है सुधा का सांभर है। अरे इसमें है अभी बहुत चटनी है, ला दीजिए चटनी ले आइए। ना 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 रह दीजिए इसमें चटनी, चम्मच ले जाना। लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि ला के ना ला। शुभम खाइए, देख रहा ना क्या क्या बोलेगा अभी उनको। खाना खाने के बाद और हंसी मजाक करने के बाद ये सारे जो सामान है कल के लिए अरेंज करना है। सो हम सभी लोग लग गए उसी में, सभी लोग इकट्ठे बैठ गए हैं। और ये है आम का पत्ता, जो हर फलों की टोकरी में आम का पत्ता अक्षत और फूल के साथ फल को टोकरी में सजाया जाता है। और ये है कांसा का कटोरा, जो बहुत ही मैंडेटरी होता है। इसमें बतासा और पैसे देके लड़की वाले लड़के को चढ़ाते हैं और लड़के वाले लड़की को चढ़ाते हैं। हर्षराज और मम्मी दोनों लग गए फल को टोकरी को सजाने में, और मैं और भाभी और भैया सब मिलके जो कपड़े और ये सब थे, बाकी सारे सामान थे, वो अरेंज करने में लग गए। सब मिलजुल के हमने अपना पूरा काम जो है वो कल वाला कंप्लीट करा। किसके किसके नाम पे जाना है कपड़े, वो सब भी सारा अरेंज करा बैठ के। और फलों की टोकरियाँ भी आप देख सकते हैं कि उधर अरेंज हो रहा है इन दोनों के द्वारा। सो काफ़ी अच्छा माहौल घर में बना होता है अगर शादी ब्याह का माहौल हो तो, काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आती है थाल की बारी। सो ये मेरे एंगेजमेंट का थाल है जो मैंने पूरा मेस करके रख दिया था। सो मैंने उसको फिर से सोची कि उसको अरेंज कर देती हूँ ताकि भैया का भी काम आ जाए। सो हर्षराज और मैं दोनों मिलके इस थाल को पूरी तरीके से अरेंज करने में लग गए। पूरे फ्लावर से डेकोर करना है उसको, टोटली फिर से पूरा शुरू से उसको कंप्लीट करना है। और इसमें मैंने भैया और भाभी के नाम का प्रिंट भी बनवाया था इस बार, क्योंकि कुछ हमेशा यूनिक करना चाहिए। जो मेरे टाइम पे था वो अलग चीज़ था, और जो भैया के टाइम पे था मैंने सोचा कि इन दोनों का नाम पूरा पुट करके इसमें लगवाती हूँ। सो हमने काफ़ी टाइम तक इसमें मेहनत करके और अच्छे से उसको अरेंज करा है। सारी तैयारियों के बाद, सारे हिसाब किताब के बाद, फिर मैं और मम्मी और हर्षराज तीनों निकलने वाले थे घर पे, क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो थे वहीं पे थे। फिर हमें वहाँ से रेडी होके वापस आना था कल, और आज रात में सब रेस्ट कर ले तो बेटर होगा कल के लिए। सो हम चले घर। थैंक यू सो मच।